हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम, स्वागत है थोड़ा मेरे चैनल पे जिसका नाम है रीत ब्लॉग। सो जैसा कि आप लोगों ने आज की वीडियो का टाइटल देखा है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ कुछ ऐसे रशियन वर्ड जो कि टूरिस्ट्स को बहुत ज़्यादा काम आएंगे, या फिर आप पहली बार रशिया आ रहे हो, वेदर यू आर अ स्टूडेंट और अ ट्रैवलर और आप बिजनेस पर्पज़ से आ रहे हो। सो कुछ ऐसे वर्ड्स, यू नो, आई विल टेल यू 20 to 30 वर्ड्स और मे बी मोर और लेस, मैं देखती हूँ, ठीक है, जो मुझे लगते हैं नेसेसरी मैंने लिखे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, जैसे आप किसी स्टोर में जाते हो, कुछ आपको ख़रीदना है, या फिर आपको किसी से फर्स्ट टाइम बात करनी है, अपना नाम बताना है और बहुत सारी चीज़ें जो भी यू नो डेली लाइफ में काम आती हैं। वहाँ पे पूरा दिन अगर आपको कहीं घूमना है, जो वर्ड्स काम आते हैं आज इस वीडियो में वो आपको मैं सिखाने जा रही हूँ। इंग्लिश में बताऊँगी, हिंदी में बताऊँगी एंड देन रशियन में बताऊँगी। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन टू वॉच दिस वीडियो। ऑल राइट, सो सबसे पहला ही जो वर्ड है हमारा, जो कि हमारा हेलो होता है। ऑफकोर्स हम जब किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हम उनको हेलो बोलते हैं। हेलो दो वेरिएंट्स में होता है, अगर कोई आपसे बड़ा है, वैसे तो सब यही ज़्यादातर आप बोलो, क्योंकि अभी जाते ही आप किसी के फ्रेंड नहीं बन जाओगे। सो जो फॉर्मल वे में हम हेलो बोलते हैं वो हम बोलते हैं ज़्रास्त्वीते, ज़्रास्त्वीते। ऑल राइट, एंड अगर कोई आपका फ्रेंड है, आपको अच्छे से जानने लग गया है, 2-3 दिन हो गए हैं मिलते हुए, अब आप घुल मिल गए हो, ठीक है, इनफॉर्मल वे में अगर बोलना है देन यू विल से प्रीवियत, प्रीवियत, प्रीवियत। ऑल राइट, सो हेलो पता चल गया अब आपको कैसे बोलना है। और उसके बाद अगर कोई आपसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका नाम क्या है, वो कैसे बोलेगा कोई, और उसका क्वेश्चन आपको अगर पता होगा तो ही आप अपना नाम बता पाओगे और समझ पाओगे। सो व्हाट इज़ योर नेम का आएगा ककवास जावुद, ककवास जावुद, दिस मीन्स वट इज़ योर नेम। तो अगर आप ये सुनते हो कोई आपको ऐसा बोल रहा है तो आपको आंसर कैसे करना है, विच इज़ आर थर्ड फ्रेज, दैट इज़ मिनिया जावुद, माई नेम, उसके बाद अपना नाम बता दो। जैसे मिनिया जावुद हरप्रीत कौर, मेरा नाम हरप्रीत कौर है, सो आई विल से मिनिया जावुद हरप्रीत कौर। ऑल राइट, ककवास जावुद, मिनिया जावुद हरप्रीत कौर। ऑल राइट, देन अगर आपको किसी को प्लीज़ बोलना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में आपको किसी को प्लीज़ बोलना है, दैट विल बी पाजल उस्ता, पाजा लुस्ता। ऑल राइट, पाजा लुस्ता। देन अगर आपको एक्सक्यूज मी बोलना है या फिर सॉरी बोलना है, फॉर एग्जाम्पल आपको रास्ता चाहिए, आपको एक्सक्यूज मी बोलना है, या फिर आपसे कुछ गड़बड़ हो गया, किसी को गलती से धक्का लग गया, कुछ गलत काम हो गया, देन दोनों के लिए सेम ही वर्ड है, व्हाट यू विल से इज़्विनीते, इज़्विनीते, इज़्विनीते। ओके, उसके बाद अब आप हो किसी सुपरमार्केट में, ठीक है, या फिर आप कहीं भी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे प्राइस मेंशन नहीं है किसी चीज़ का, आपको पूछना है कि ये चीज़ कितने की है, वैसे तो बहुत डिटेल में होती है ये चीज़, बट इन शॉर्ट अगर आपको पूछना है उस चीज़ की तरफ, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द थिंग, ये चीज़ है, आपको उस तरफ पॉइंट आउट करके बोल देना है स्कोल्का स्तोयत एता, स्कोल्का स्तोयत एता, स्कोल्का स्तोयत मीन्स हाउ मच, हाउ मच, एता मीन्स दिस, सो आप बोल रहे हो कि ये कितने का है, और अगर आपको एता नहीं बोलना तो आप बोल सकते हो स्कोल्का स्तोयत। कोई आपको कोई चीज़ दिखा रहा है, आपको आगे से पूछना है कि कितने की है ये चीज़, हाउ मच, ओके, देन यू विल से स्कोल्का स्तोयत। उसके बाद बाय कैसे बोलते हैं, अगर हमें किसी को बाय बोलना है तो बाय कैसे बोलेंगे, अगर आपसे बड़ा है कोई, जैसे हमने हेलो के दो वेरिएंट्स देखे थे, बड़ों के लिए फॉर्मल वे में या फिर इनफॉर्मल अपने फ्रेंड्स के साथ, सेम इज़ द केस विद बाय आल्सो, दो तरह से है। अगर फॉर्मल वे में बोलना है तो आप बोलोगे दस विदानिया, दस विदानिया, दस विदानिया, ओके, दस विदानिया। अगर कोई फ्रेंड है आपका, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है आपकी, अच्छे से जान पहचान हो गई है, तब आप क्या बोलोगे, पका, 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 ओके। मॉर्निंग भी बहुत अक्सर यूज होता है, बिकॉज ये वहां पर कल्चर है, अगर आप किसी को मॉर्निंग में मिलते हो देन यू हैव टू से दोबरे उतरा, विच मीन्स गुड मॉर्निंग, दोबरे उतरा, दोबरे उतरा, दोबरे उतरा,
ओके मॉर्निंग का हो गया गुड मॉर्निंग का देन कम्स गुड आफ्टरनून देन यू विल से डोब्री देन डोब्री देन डोब्री देन डोब्री देन ओके डोब्री देन देन कम्स द इवनिंग गुड इवनिंग कैसे बोलेंगे हम डोब्री वेचर वेचर मीन्स इवनिंग ओके डोब्री वेचर गॉट इट अब आप एक ऐसी सिचुएशन में हो कि सामने से आपको वो रशियन में बोल रहे हैं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आपको उनको कैसे बोलना है कि मुझे समझ नहीं आ रहा या आई डोंट अंडरस्टैंड ओके जब आप मतलब आपको उनकी कुछ बात समझ में नहीं आ रही है एंड आपको उनको बोलना है कि आई डोंट अंडरस्टैंड मुझे ये बात आपकी समझ नहीं आ रही है आप क्या बोलोगे उनको यानी पनिमायू यानी पनिमायू यानी पनिमायू ये बहुत ही अक्सर यूज होगा बिकॉज अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए बिकॉज उनको नहीं पता आगे से आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा और समटाइम्स सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती होती है तब आप ये चीज़ बोल दो और उनको क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ नहीं आ रहा है ओके यानी पनिमायू ओके और अगर आपको पूछना है सामने वाले से कि क्या आप इंग्लिश जानते हो सो दैट अगर वो इंग्लिश जानते हो तो आपका काम ईजी हो जाए और आप उनसे इंग्लिश में कंफर्टेबली बात कर लो तब आप क्या बोलोगे उनको वी गवारी ते पांग्लिस की वी गवारी ते पांग्लिस की डोंट वरी आई नो थोड़ा सुनने में अभी ऐसा लगता है बट लेकिन आप जब ये वीडियो को आप बार बार देखोगे थोड़ा रिवाइज करोगे आपके ये जो चीज़ें हैं मन में बैठ जाएंगी ओके इसका मतलब है डू यू स्पीक इंग्लिश ओके सो आप क्या बोलेंगे वी गवारी ते पांग्लिस की ठीक है और अब उनको आती होगी तो वो येस या नो में आपका आंसर दे देंगे अब येस या नो क्या है वो आपको कैसे पता चलेगा अभी बताती हूँ मैं ठीक है येस है दा 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 सिंपल एज दैट दा एंड नो क्या है नियत 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 ओके दा नियत वेरी सिंपल अगर आप ऐसी सिटी में जा रहे हो रशिया में जहाँ पर मेट्रोज चलती हैं मोस्टली लोग घूमने सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्को ही आते हैं सो वहाँ पे मेट्रो चलती है और हम लोग मेट्रो के थ्रू बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो कभी कभार हम किसी ऐसे रास्ते में चले जाते हैं जहाँ से हमें मेट्रो का नहीं पता चलता वैसे तो आजकल गूगल मैप्स है बट स्टिल इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क समबडी जिसको इंग्लिश आती है या नहीं भी आती तो आपको वो चीज़ कैसे बोलनी है वेयर इज़ द मेट्रो जिससे कि आपको पता चल जाए कि मेट्रो कहाँ पर है तो आप क्या बोलोगे वेयर इज़ द मेट्रो गजे मित्रो गजे मित्रो गजे मित्रो गजे मित्रो क्वेश्चन मार्क ओके सो दिस मीन्स वेयर इज द मेट्रो और मेट्रो कहाँ पर है और ऑल्सो फ्यू वर्ड्स जो कि अक्सर यूज हो जाते हैं जैसे कि टैक्सी को क्या बोलते हैं टैक्सी को टक्सी बोलते हैं टक्सी वो इंग्लिश से मिलता जुलता ही है टैक्सी को बोलते हैं टक्सी यही सेम गजिए अगर आपको टॉयलेट नहीं मिल रहा है किसी आप ऐसी जगह पर हो सेम इज द थिंग विद टॉयलेट टॉयलेट को टॉयलेट ही बोलते हैं टॉयलेट 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 सो यू विल से गजिए टॉयलेट ओके गजिए टॉयलेट और जैसे आपने अभी किसी को हाउ आर यू बोला है तो ऑफ कोर्स आप आगे से एक आंसर एक्सपेक्ट करोगे अब वो आगे से गुड बोलेगा बैड बोलेगा आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्या बोल रहा है और आपको भी वो आगे से पूछ सकता है आपका हालचाल सो आपको वो चीज़ कैसे बोलनी है मैं आपको बहुत ही सिंपल बता देती हूँ हम एक ही वर्ड सीखेंगे गुड गुड को क्या बोलते हैं हरशो हरशो ऑलराइट सो अगर आपको कोई आगे से पूछ रहा है कग दिला सो यू विल से अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो आपसे आप बोलोगे हरशो अगर आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो देन यू विल से नी हरशो मीन्स नॉट गुड सो अच्छा फील कर रहे हो तो आप बोल दोगे गुड नहीं अच्छा फील कर रहे हो सो यू विल से नॉट गुड ज़्यादा वर्ड इसलिए नहीं सिखा रही हूँ यू विल गेट कन्फ्यूज तो हरशो नी हरशो देन देयर इज ऑल्सो अ वर्ड प्लोहा प्लोहा That means bad. अगर आपको ये कहीं सुनने में आए तो आपको पता होना चाहिए ये वर्ड क्या है अगर आप कहीं पे यूज़ करना चाहते हो यू कैन ऑल्सो यूज़ बैड को बोलते हैं प्लोहा प्लोहा सो आई गेस इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं वो सिखा दिए हैं सो आप में से कोई भी अगर रिसेंटली रशिया विजिट करना चाहता है या करने जा रहा है बिकॉज मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं दैट आप
जा रहे हो रशिया, हमें थोड़े हमें रशियन में हेल्प चाहिए, क्या वहाँ पे इंग्लिश आती होगी लोगों को या नहीं आती होगी? सो जहाँ पर इंग्लिश नहीं आती है वहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज़ होने वाले जो काम के हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर कुछ वर्ड्स जो रह गए हैं तो वो आपको मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। इंग्लिश में आप लिख दो, हिंदी में लिख दो कि ये आपने नहीं बताया, तो मैं उसका पार्ट टू ज़रूर बना दूंगी, जो भी वर्ड्स मुझे लगेंगे कि हाँ ये भी यूज़ होता है, बिकॉज समटाइम्स वर्ड्स यू नो माइंड में नहीं आते हैं। सो अगर ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो मिस हो गए हैं मेरे से, आप मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बता देना, मैं डेफिनेटली इसका पार्ट टू जो है जल्दी ही बना दूंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेरी हेल्पफुल लगी है, देन आपको मालूम है क्या करना है। आपको करनी है मेरी हेल्प बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल इफ यू आर न्यू हियर। एंड मैं मिलूंगी अब आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, बी सेफ एंड डोंट फॉरगेट आवर फंडा, अ लिटिल मोर काइंडनेस, अ लिटिल लेस जजमेंट। बाय।